ये हेलो स्टूडेंट मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी पोको F1 यूजर है, जब से दोस्तों पोको F1 डिवाइस मार्केट पे आ चुका है तब से लेकर आज तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें रहता ही है। तो इसलिए दोस्तों MIUI का जो कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी का फोरम जो है यूजर की फीडबैक के बेसिस पे वो क्या करता है कि हर वीक एक अपडेट निकलता है, जैसे करके नेक्स्ट अपडेट में कौन कौन सा फिक्स्ड किया जाए। ठीक है, तो इस वीक में भी एक नया अपडेट MIUI कम्युनिटी के फोरम पे आ चुका है, जिसमें दोस्तों MIUI ने बोला है कि क्या क्या नेक्स्ट अपडेट में फिक्स्ड करेगा। दोस्तों वही आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो चलिए इसको देख लेते। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और अगर चल के आप लोगों का इस तरह का टिप्स टिक्स लेटेस्ट न्यूज अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले, तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का टिप्स टिक्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं, अगर आप यहाँ पे देख के चौंक जाएंगे तो दोस्तों ये किस तरह का है, तो MIUI का डिवाइस ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गूगल पिक्सल 3 जो नया डिवाइस लॉन्च हुआ है उसका जो कस्टम रोम है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे, तो मैं उसका जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा किस तरह से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे MIUI को छोड़ के। बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलो इस मुद्दे की बात पे चलते हैं। दोस्तों MIUI ने इस वीकली अपडेट में क्या क्या फिक्स्ड करेंगे बोलेंगे तो वो हम लोग इस वीडियो में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते। तो देख सकते ये है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, जो MIUI का ऑफिशियल पेज है इस वीक का लेटेस्ट न्यूज का। तो इसमें क्या क्या फिक्स करेंगे कि नेक्स्ट अपडेट में बोला है कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते सजेस्ट टू सपोर्ट कस्टमाइजेशन ऐप आइकन, जो पोको लॉन्चर के अंदर आपको जो ऐप आइकन को डेस्कटॉप ग्रिड पे आप जो है चेंज कर सकते, वो यहाँ पे जो है नेक्स्ट अपडेट में गूगल प्ले स्टोर पे पोको लॉन्चर पे वो अपडेट कर दिया जाएगा। सेकंड वाला अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर में पोको लॉन्चर पे जो ड्रैग मोड को इनेबल करने के लिए बोला है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब नेक्स्ट अपडेट वो आ जाएगा। और MIUI 10 फॉर पोको F1 डिवाइस जो अभी के लिए जितना सारा यूज हो रहा है, कोई स्टेबल अपडेट नहीं आया, सिर्फ MIUI 9 ही चल रहा है, और रूट करके या फिर जो अपडेटर ऐप के थ्रू जाके MIUI 10 बीटा वर्जन को अपडेट करना पड़ता है। और MIUI 10 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है उन लोग बोल रहा है कि वहाँ का बीटा प्रोग्राम पे ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको तुरंत जल्दी मिल जाए, पर कब तक मिलेगा वो बताया नहीं है। पर दोस्तों आपको जल्दी जो MIUI 10 फॉर पोको F1 का जो ग्लोबल स्टेबल वाला वर्जन है आपके डिवाइस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट इशू था कि Aspalade 8 और Aspalade 9 जो था हम लोगों को कंपेटेबल नहीं था गूगल प्ले स्टोर पे, के लिए MIUI ने क्या बोला है कि गेम लूप जो है, जो Aspalade 8 और Aspalade 9 गेम को बनाता है, तो उनके साथ MIUI ने एक मीटिंग फिक्स्ड किया है जो आपको नेक्स्ट अपडेट पे वो सॉल्व करने की कोशिश कर। और जो 5 नंबर के प्रॉब्लम की बात करते हैं दोस्तों, पबजी मोबाइल पे जब गेम खेलने जाएंगे पबजी गेम, तो उसमें क्या होता था कि पोको F1 डिवाइस के नोच के वजह से वो जो है फुल स्क्रीन पे चलता नहीं था, मतलब यहाँ पे बीच पे कट जाता था। तो उसके लिए बोल रहा है कि नेक्स्ट अपडेट पे वो फिक्स्ड कर दिया जाएगा, पर मेरा तो ऑलरेडी फिक्स्ड हो ही चुका है। आप अगर कमेंट करके जरूर बताएं, अगर MIUI 9 पे है तो ये बाग आपको देखने के लिए मिल सकते, पर MIUI 10 बीटा वर्जन में है तो आपको बाग देखने को लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और MIUI 10 बीटा वर्जन पे विदाउट रूट और रूट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, वो अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते। और एंड्रॉइड ऑटो इशू था तो वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब ऑटो जो इशू था उनका जो एंड्रॉइड ऑटो टीम है वो इसमें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वीक में जो प्रॉब्लम आया था तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर वीकली अपडेट कुछ आए तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हो पोको F1 डिवाइस के लिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बहुत सारा बनाता रहूँ पोको F1 डिवाइस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, एक्सपीरियंस कस्टमर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हैव ए गुड डे, बाय।